वेलकम टू द सिजलर्स। थंबनेल को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेसिक सी रोस्टेड कॉर्न की रेसिपी, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी। चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है। रोस्टेड कॉर्न बनाने के लिए पहले हम लेंगे कॉर्न यानी कि मकई या भुट्टा, जिसे आपको डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट करना है, या आप हमारी तरह गैस पर जाली यानी कि रोटी सेकने का जो स्टैंड होता है उसे रख कर भी आप रोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्न डायरेक्ट फ्लेम पर है, इसे आपको पलटते हुए रोस्ट करना होगा। जब कॉर्न चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए, फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कॉर्न कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है चारों तरफ से। अब हम दूसरा कॉर्न भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। कॉर्न्स हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये एनीमिया से बचाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आंखों को भी स्वस्थ रखते हैं। ये रेसिपी हमने तैयार किया है बिना ऑयल और बटर के, तो ये टेस्टी भी है साथ साथ हेल्दी भी। अब हम नींबू के स्लाइस को रेड चिली पाउडर और काला नमक में डिप कर रहे हैं, जिससे हम कॉर्न को ब्रश करेंगे। कॉर्न को इससे अच्छे से ब्रश कर ले। आप चाहे तो इस स्टेप में चाट मसाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी मकई को भी तैयार कर लेंगे। जब ये अच्छे से ब्रश हो जाए, हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे धनिया पत्ता और इसे गर्मा गर्म आप एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए रेसिपी या एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सिजलर्स। ईट गुड टू ट्रैवल अलॉट। शुक्रिया।